साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल में। साथियों आज हम आपके समक्ष चर्चा करने वाले हैं पंचकोश के बारे में। पंचकोश है क्या, पंचकोश के स्वरूप का विस्तृत रूप से हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। लेयर ऑफ फाइव एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, मानवीय अस्तित्व की पांच परतें जिससे हमारा मानवीय व्यक्तित्व बनता है। मानवीय व्यक्तित्व को जानने और परखने के लिए इस कोश को जानना अनिवार्य है। मित्रों हमारे वेद उपनिषद और अन्य हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, इसमें इसका विस्तार से चर्चा है और योग के ग्रंथों में तो इसका वर्णन विस्तृत है, तभी तो इसको योगिक एनाटॉमी कहते हैं, अर्थात योग की शरीर रचना, अर्थात योगी जो व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व कैसे बनता है, किन किन एलिमेंट से बना हुआ होता है, हम उनके अस्तित्व को कैसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, यह हमें पंचकोश के अध्ययन अध्यापन और उसको यदि प्राप्त करना है तो इसकी योगिक साधनाओं के बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों ये हमारे योग विज्ञान अद्भुत है और ये भारत की एक अद्भुत देन जिसकी वजह से भारत जगत गुरु रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये दिव्य ज्ञान निश्चित तौर से जन जन तक और घर घर तक पहुंचनी चाहिए और सरल शब्दों में, ताकि व्यक्ति इसकी साधना इसकी उपासना कर सके और अपने व्यक्तित्व को अपने जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सके। और उसके पहुंचाने का एक ही मार्ग है, वह योग साधना है। हमें योग साधना में आगे बढ़ना है, इसके लिए पंचकोश के बारे में जानना और पंचकोश को सही तरह से समझना ये हमारे अनिवार्य है। क्योंकि हमने कहा कि ये मानवीय अस्तित्व की परतें हैं, मानवीय व्यक्तित्व जिसे बनता है, मानवीय व्यक्तित्व जिस स्तर पर कार्य करता है, ये कोशों के स्तर पर कार्य करता है। हमारे उपनिषद जिसमें विशेष तौर से तैतृय उपनिषद और तैतृय उपनिषद के भी ब्रह्मानंद वल्ली जो खंड है उसमें इसका विस्तार से चर्चा किया है। मित्रों अद्भुत है ये ज्ञान और अद्भुत हमारे उपनिषद के ऋषियों ने इसकी वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन किया है। मित्रों पंचकोश है, पंचकोशों की जो चर्चा यहाँ तक हमारे सामवेद जो ग्रंथ है इसमें भी इसका चर्चा है, तो वेद और उपनिषद जिस दिव्य ज्ञान के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं उसके बारे में हमें जानना मैं समझता हूँ उचित है और इसकी योगिक साधना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मानंद वल्ली खंड में जो चर्चा की गई है उसमें अलग अलग कोशों के बारे में विस्तार से चर्चा तो है ही है, साथ ही साथ मित्रों इसमें पांच अलग अलग देहों के बारे में चर्चा किया। इसके साथ साथ ही आचार्य शंकर ने अपने एक महानतम ग्रंथ विवेक चूड़ामणि इसमें विस्तार से चर्चा किया है। विवेक चूड़ामणि ज्ञान का शिखर है और उस ज्ञान के शिखर में जहां पंचकोशों की बात हो, तीन शरीर की बात हो, वो अद्भुत है, तो इसमें भी इसका विस्तार से चर्चा है। इसके साथ ही पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री महाविज्ञान जो कि गायत्री महाविद्या का एक वृहद कोश है, इस वृहद कोश को हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसमें आचार्य श्री ने गायत्री के पंचमुखी गायत्री के जो पांच मुख के रूप में इन पंच कोशों को अभिहित किया है। मां भगवती गायत्री की पांच मुख इन पंच कोशों के रूप में मानवीय व्यक्तित्व में समाया हुआ है। इस मानवीय व्यक्तित्व को जानना है, मां भगवती के पंच मुखों के बारे में ज्ञान अर्जित करनी है, तो निश्चित तौर से हमें इस गायत्री के पंचकोशी विद्या का ज्ञान अर्जित करनी चाहिए। और मित्रों सबसे मजेदार की बात है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसकी जो साधना पद्धति दी है मित्रों ये अद्भुत है उनकी, क्योंकि इतनी सरलतम तकनीक से और पूरी विस्तृत उसकी प्रैक्टिकल जो अप्लाइड पार्ट है उसका भी विस्तृत चर्चा किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को पूरी शुरू से लेकर अंतिम तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि इसमें हम आज तो इंट्रोडक्टिव पार्ट है पंचकोश का कि पंचकोश है क्या, उसके अर्थ परिभाषा स्वरूप
और पंचों कोशों के एक तुलनात्मक अध्ययन हम इस वीडियो में देखना करेंगे। इसके बाद साथियों हम इसके स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में पंच कोशों को विभिन्न रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वेदांत में कहा गया है कि आत्मा जड़ प्रकृति के विभिन्न आवरणों में लिपटा हुआ है। वेदांत ने इसे कोश कहा है। पंचकोश आत्मसत्ता के पांच भंडार है। ऐसा दिव्य भंडार, ऐसे विभूतियों का भंडार जिसके माध्यम से व्यक्तित्व को विभूषित करने वाली दिव्य संपदाएं अर्जित की जा सकती है। यूं कहा जा सकता है कि ये पंचकोश हमारी आत्मसत्ता के अंदर समाहित हुई ऐसे परत दर परत ऐसे विभूतियों के भंडार है जिससे हमारा व्यक्तित्व बनता है, जिससे द्वारा व्यक्ति अपने कर्तृत्व को आगे बढ़ाता है। संस्कृत साहित्य में कोश का अर्थ, कोश के कई पर्यायवाची शब्द हैं। उन पर्यायवाची शब्दों को हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला इसका अर्थ होता है आवरण। पंच कोशों के अनावरण से ही वे अवरोध दूर होते हैं जिसके कारण आत्मसत्ता को अपने ईश्वर प्रदत्त उत्तराधिकार से वंचित होकर दुर्दशाग्रस्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। वैसा ही आवरण है जैसे आग के ऊपर में राख ढक जाती है और राख को जैसे हटाते ही जो आग के अंगारे धधक उठते हैं, वैसे ही आत्मसत्ता के ऊपर चढ़ा हुआ कोश एक ये आवरण है। दूसरा अर्थ होता है पर्दा। मानवीय व्यक्तित्व जो पंच कोशों का है, एक परत दर परत एक पर्दे के रूप में है, अस्तित्व का हमारा एक पर्दा कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा व्यक्तित्व जिस पे छुपा हुआ होता है, एक मुखौटे की तरह है कि एक मुखड़ा इसके अंदर उसके अंदर हम लगा करके पांच यदि मुखड़ा पहन ले, या परत दर परत घर में है तो एक पर्दे दो पर्दे तीन पर्दे लगा ले, या जब लीला करते हैं रामलीला वगैरह होता है उसमें भी पर्दे होते हैं, प्रत्येक पर्दे का अलग अलग दृश्य होता है। मित्रों यही पर्दा है। हम अपने व्यक्तित्व का एक एक पर्दा हटाते जाते हैं और उसके अलग से अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग हमारी विभूतियां सामने प्रकट होती है। व्यक्ति मानवीय जीवन का अलग अलग अस्तित्व दिखाई पड़ता है इसके माध्यम से। तीसरा नंबर है खोल या म्यान। जैसे तलवार म्यान के अंदर रखी जाती है, लेकिन तलवार म्यान नहीं होती। जिस प्रकार म्यान से आवृत होने पर भी उपज में उपस्थित तलवार उसके संपर्क में नहीं, उसी प्रकार आत्मा कोशों से असंग रहती है। आत्मा जो है शरीर में होती जरूर है, लेकिन उस शरीर से ही परे असंगत कहा गया है, बिना संग किए बिना लिपटा हुए, क्योंकि वे आत्म स्वरूप परम आनंद सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है। केवल और केवल एक खोल के रूप में इसके अंदर, म्यान के रूप में इसके अंदर क्या है, आत्मसत्ता विद्यमान होती है। ये कोश खोल या म्यान के रूप में है। अगला जो अर्थ है ये खजाना। दिव्य विभूतियों का, हीरे जवाहरात, अनंत, यूं कह सकते हैं कि ऐसे संपदा जो विश्व में कहीं भी नहीं है, ऐसे दिव्य विभूतियां दिव्य संपदाएं, हीरा हीरे मोती जवाहरात, असंख्य और अनंत धन संपदाएं इसी कोश के अंदर में है। मित्रों सब कुछ हमारे मानवी इस अस्तित्व के अंदर, मानवी व्यक्तित्व के इन कोशों के अंदर समाहित है। शर्त बस एक ही है कि इसको जागृत किया जाए, वे खजाना है। इसे यदि जागृत कर लिया जाए तो व्यक्ति दीनहीन न रह करके वे एक राजकुमार की तरह राज्य कर सकता है। इस मानवी जीवन में परमात्मा के राजकुमार बन करके संपूर्ण सृष्टि का सुखोभोग कर सकता है। साथियों अब जो ये कोश है, कोश तो पांच प्रकार के जिस चर्चा किए थे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। अब इसमें अन्नमय है तो मय का अर्थ यहां है से बने। उदाहरण के लिए जो अन्न से बना होता है उसे हम लोग अन्नमय कोश कहते हैं, वैसे ही प्राण से बने होने के कारण इसको प्राणमय कोश,
और जो आहार के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, जो हम ग्रहण करते हैं फल फ्रूट्स वगैरह, इसमें प्राण होती है, दिव्य विभूतियां आती है, उसमें दिव्य शक्तियां आती है, जिसमें मन संयुक्त होते हैं और मन से बने होते हैं। इसी कारण इसको मनोमय कोष कहा जाता है, जिसमें ऊर्जा का भंडार है, जैव ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा का ये भंडागार है मनोमय कोष। अगला है विज्ञानमय। ज्ञान विज्ञान और प्रतिभा जिस क्षमता जिसके अंदर समाहित है उसी से बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं विज्ञानमय। विशेष ज्ञान, एक्चुअल नॉलेज यहाँ पे होता है। और अंतिम कोष का नाम है आनंद, जो आनंद से ही बने हुए हैं, जिसके हर कण में, हर रग रग में केवल आनंद और प्रसन्नता ही समाहित होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से पंचकोष और पांच कोषों में जो मैं है से बने हुए शब्द प्रयोग किया गया है, अर्थात जिसके साथ जहां मैं संयुक्त हो गया उसी से बना हुआ है, अर्थात आहार, ऊर्जा, प्रतिभा, आनंद, ये सारे के सारे हमारे अलग अलग कोषों के अलग अलग गुणधर्मों के रूप में इसको जाना गया है। योगी दृष्टि से आत्मा के अंदर पांच आवरण है। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर यदि गति करें हम, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की गति करें, तो पहला कोष का नाम है अन्नमय कोष, जिसे हम लोग फिजिकल बॉडी भी कहते हैं। दूसरा है प्राणमय कोष, जिसे हम लोग इथरिक या प्राणिक बॉडी कहते हैं। तीसरा मनोमय कोष, अशे मेंटल बॉडी कहते हैं हम लोग। और चौथा है विज्ञानमय कोष, जिसे एस्ट्रल या इंटेलेक्चुअल बॉडी कहते हैं। और अंतिम कोष है जिसे आनंदमय कोष के नाम से हम लोग जानते हैं, इसे इमोशनल बॉडी कहते हैं। ये आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ पहला आवरण है। यदि इसे अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए, यदि सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर लिया जाए, आत्मसत्ता से बाह्य जगत की ओर देखा जाए, तो सबसे पहला कोष होगा वे होगा आनंदमय कोष, दूसरा कोष विज्ञानमय, तीसरा होगा मनोमय कोष। मनोमय कोष मध्य का कोष है, चाहे उसे स्थूलता से सूक्ष्म की ओर ले जाए या सूक्ष्म से स्थूल जगत की ओर ले जाए, तो ये मनोमय कोष मध्य का कोष है और महत्वपूर्ण कोष है। चौथा नंबर कोष प्राणमय कोष और पांचवा अन्नमय कोष है, यदि सूक्ष्म से स्थूलता की ओर गति किया जाए। उसी प्रकार इसे हम इमोशनल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, इथरिक बॉडी या फिर फिजिकल बॉडी स्टेप बाय स्टेप कह सकते हैं। तो योग में इन पांच कोष को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है, और इसी के द्वारा हमारा योगिक व्यक्तित्व, योगा एनाटॉमी जिसे हम लोग कहते हैं, ये योगिक एनाटॉमी का निर्माण होता है। और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप, एक एक कोषों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे। अब साथियों, हम देखते हैं पंच कोष और तीन शरीर, इन तीनों में कौन कौन से ऐसे कोष है जिससे मिलकर इस शरीर का निर्माण करते हैं। देखिए, अन्नमय कोष और स्थूल शरीर दोनों को हम एक ही रूप में जान सकते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शरीर और ये कोष अलग अलग नहीं है, क्योंकि मानवीय ये काया जो है इसी के अंदर समाहित है। ऋषियों ने साधना के दृष्टिकोण से, उपासना के दृष्टिकोण से, अपने साध्यात्मक और ज्ञान के दृष्टिकोण से, शक्ति के दृष्टिकोण से इन्हें अलग अलग रूप में लोगों ने देखा है, जाना है, इसलिए इसके अलग अलग नाम रखा गया है। अन्नमय कोष स्थूल शरीर ही है। इसके बारे में विस्तार से जब मैं अन्नमय कोष के बारे में जब चर्चा करूंगा, तो उस अन्नमय कोष में जितने तत्व है वही तत्व स्थूल शरीर के अंदर में है, और अन्नमय कोष अन्न से बनता है, तो स्थूल शरीर भी इन्हीं पंच महाभूतों से निर्मित होती है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर के प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, ये तीनों कोष संयुक्त होकर के सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। आचार्य शंकर ने कहा है सप्तदैशिकम लिंगम, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर सप्तदैशिकम 17 तत्वों से निर्मित होता है। ये 17 तत्व मिलकर के सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है, जिसमें प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष के सारे तत्व मिलकर के सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। और अंतिम कोष है साथियों कारण शरीर, आनंदमय कोष। कारण हमारा होता है
जो इस आत्मा का शरीर में होने का वजह है और जहां केवल आनंद ही आनंद है, आनंद का साम्राज्य है। लेकिन एक बाधक होता है, एक आशक्ति होती, एक अविद्या है, जिसके वजह से ये शरीर इस संसार में क्या है, जन्म मरण के इस चक्र में, चक्र व्यूह में फंसा रहता है। तो ये हमारा पंच कोश और तीन शरीर दोनों एक ही है, जिसके कार्य लगभग दोनों का कार्य एक सा है। अब इसके बाद साथियों हम देखना चाहेंगे पंच कोश के गुण, फाइव सिक्स एट्रीब्यूट्स। इन पंच कोशों के गुणों को यदि क्रम से देखें और तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ज्यादा समझ आएगा हमें। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। सबसे पहले अन्नमय कोश को देखते हैं। ये फूड अपीयरेंस शीत है, अर्थात ये अन्न से बना हुआ, आहार से बना हुआ, ये हमारे शरीर की रचनाएं हैं युति इसमें। लेकिन प्राणमय कोश वायु से है, प्राण से निर्मित होता है, जबकि मनोमय कोश माइंड से है, मन जिसमें होती है, मानसिक शक्तियां जिसमें सन्निहित होती है। और विज्ञानमय कोश में तो विजडम है, इसके अंदर तो ज्ञान है, इसके अंदर में क्या है, विज्ञान है, इसके अंदर में फिलोसफी दर्शन है। और आनंदमय कोश तो ब्लीस अपेरेंसित है, इसका मतलब यहाँ पे केवल आनंद का साम्राज्य है, उसी से बना हुआ ये शरीर है। इसके बाद यदि अन्नमय कोश में पुनः आकर के देखिए दूसरा नंबर, तो ये फिजिकल बॉडी है, जिस शरीर को हम लोग देख सकते हैं, इन स्थूल नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं, अपने इंद्रियों से स्पर्श कर सकते हैं हाथ से, तो ये हमारा फिजिकल बॉडी है। प्राणमय कोश में चले तो ये एनर्जी बॉडी है, इतनी बॉडी कहते हैं, यहाँ प्राण घनीभूत होती है, प्राण से निर्मित होती है, यहाँ प्राण का ही एक साम्राज्य है। मनोमय कोश मेंटल बॉडी है, यहाँ पे उधेड़ बुन चलता है, यहाँ पे मानसिक शक्तियां हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन पावर है, यहाँ चुंबकीय शक्ति है, अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य है। यदि इस मानसिक शक्ति को कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और विज्ञानमय कोश देखे तो इंटेलेक्चुअल बॉडी है, यहाँ बुद्धि का यूज होता है और बुद्धि का कार्य होता है तर्क वितर्क और विश्लेषण की क्षमता जो है बुद्धि के पास है, विश्लेषण एनालाइज करने की क्षमता है विज्ञानमय कोश के पास। आनंदमय कोश ब्लिस बॉडी, ये केवल आनंद है, यहाँ पे अपने इष्ट जीवन लक्ष्य और आराध्य को पाकर व्यक्ति उसमें बस लीन रहता है। नेक्स्ट यदि देखिए हम अन्नमय कोश के अंदर में अगला देखें तो आसनों के द्वारा, फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से इस अन्नमय शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। लेकिन प्राणमय कोश के लिए प्राणायाम, प्राणिक एनर्जी, प्राणिक हीलिंग्स, या फिर आप और भी कह सकते हैं अलग अलग रेकी या बहुत सारे और भी तकनीक जिसके माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी को हम लोग ले सकते हैं, पंच तत्वों से उस प्राण ऊर्जा को लेकर इस प्राणमय कोश को हम लोग विकसित कर सकते हैं। मनोमय कोश के लिए मानस है, मानसिक शक्ति को किसके माध्यम से, इसके अलग अलग साधना विधि है। मानस हमारी जो मन की क्षमता है, जिसे हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन पावर, योग में जिसे त्राटक के माध्यम से, अन्य माध्यम से हिप्नोटिज्म की क्षमता, मैग्नेटिक क्षमता को यहाँ पे विकसित किया जा सकता है। जबकि विज्ञानमय कोश ये इंटेलेक्ट है, यहाँ बुद्धिमता होती है, यहाँ पे व्यक्ति बड़े गहराई से सोचता है और इस संसार में जितने भी जिसे हम लोग जिसे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे आगे व्यक्ति है जिसे विभूतिवान कहते हैं, तो विभूतिवान व्यक्ति इसी विज्ञानमय कोश उसकी जागृत होता है और वहां से वो सारे के सारे ज्ञान विज्ञान समाज को देता है, समाज के लिए बोता है। आनंदमय कोश, यहाँ पे आनंद ही है, आनंद का साम्राज्य यहाँ पे होता है। अन्नमय कोश का परिणाम स्टेबिलिटी, स्थिरता, यहाँ पे स्थिरता आती है शरीर में, शरीर स्थिर रहता है, विचारों में स्थिरता होती है। जबकि प्राणमय कोश में वाइटिलिटी, यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ पे प्राण व्यक्ति के अंदर में समाहित होती है और प्राण को इसमें अर्जित करके अपने अंदर की वाइटिलिटी को, वाइटल पावर को, वाइटल एनर्जी को बढ़ाई जाती है। जबकि मनोमय कोश, इसके अंदर में क्लियरिटी है, यहाँ पे कोई
ऐसा ही इसे सिद्ध कर लिया जाए, इसे जागृत कर लिया जाए, फिर मन में किसी प्रकार की द्वंद नहीं होती, इसमें हर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। व्यक्ति आमने सामने एक दूसरे के विचारों को, भावनाओं को जान सकता है, पढ़ सकता है। विज्ञानमय कोष के अंदर में विजडम है, तत्व ज्ञान, तत्व दर्शन, और ऐसे अद्भुत ज्ञान विज्ञान उसके अंदर प्रस्फुटित होता है। विज्ञानमय कोष का परिणाम होता है ये, जबकि आनंदमय केवल और केवल अंतिम परिणाम उसका आनंद ही है। व्यक्ति उस आनंद में भरा पूरा और आनंद में ही क्या समाहित होता है। मित्रों, ये पांच गुण, पंच कोशों के ये पांच गुण है, एट्रीब्यूट्स है। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम आपको अलग अलग कोशों के बारे में, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, पांचों कोश का अलग अलग वीडियो, जिसमें उसकी साधना विधि, साधना पद्धतियों के बारे में, कैसे विकसित करें, प्रैक्टिकल पक्षों के बारे में हम लोग एक एक करके इसमें चर्चा करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपको हमारी ये वीडियो इंट्रोडक्टिव पार्ट बहुत ही अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है। यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर बजाइए, और ज़्यादा अच्छा लगे तो ऐसे ज्ञान विज्ञान को आप अपने मित्रों, इष्ट मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि भारतवर्ष का यह दिव्य ज्ञान जन जन तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे, भारत पुनः कृषि जगत गुरु बने, और सबसे महत्वपूर्ण मित्र हम खुद शक्ति और सामर्थ्य और योगिक जीवन जीने लग जाएं और हमारा शरीर योगमय बन जाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, प्रणाम।